कौमी टीम के बैट्समैन एक बार फिर नाकाम। मुल्तान टेस्ट पर इंग्लैंड की गिरफ्त मजबूत। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज कौमी टीम की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम हो गई, जिसके बायस इंग्लैंड ने मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान टीम की बैटिंग जारी है, ताहम पहले सेशन से कबल 199 रन पर कौमी टीम के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज मैच का आगाज पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 107 रन के साथ किया। ताहम पहले सेशन में कप्तान बाबर आजम 75 और साउथ शकील ने 63 रन पर आउट होने के बाद विकेटों की लाइन लग गई। इसके बाद मोहम्मद रिजवान 10, मोहम्मद नवाज 1, फहीम अशरफ 2, मोहम्मद अली और जाहिद महमूद 0 पर ही पवेलियन लौट गए। दूसरे रोज पहले सेशन में कप्तान बाबर आजम इंग्लिश बॉलर ओली रॉबिन्सन की गेंद पर 75 रन पर बोल्ड हो गए, जिसके बाद साउथ शकील जैकलिच की गेंद पर जेम्स एंडरसन को कैच दे बैठे और 63 रन के साथ पवेलियन लौट गए। मोहम्मद रिजवान को भी जैकलिच ने बोल्ड कर दिया। इसके बाद जो रूट आगा सलमान और मोहम्मद अली, जबकि जैकलिच मोहम्मद नवाज की विकेट लेने में कामयाब रहे। जाहिद महमूद को मार्क वुड ने LBW किया। मुल्तान टेस्ट मैच के पहले रोज इंग्लैंड की पूरी टीम 281 रन बनाकर आउट हो गई थी। इंग्लैंड के खिलाफ स्पेन बॉलर अब्राह रहमान ने उम्दा बॉलिंग करते हुए इंग्लैंड की 7, जबकि जाहिद महमूद ने 3 विकेटें ली थी।